ये नुस्खा लगा लिया तो बाल इतने ज्यादा हेल्दी, इतने ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे कि देखकर हैरान रह जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद के हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट में। गाइज, आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन सा हेयर ग्रोथ एंड हेयर थिकर जेल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके सर के बाल्ड पैचेस को दूर कर देगा, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, आपके फ्रिजी बालों को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा, साथ ही हेयर ग्रोथ को भी बहुत तेजी से बूस्ट करेगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है गाइज, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहां सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। सो गाइस, चलिए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि गाइस आप सभी जानते हो, मैं हमेशा ईजी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपकी किचन में अवेलेबल होती हैं या फिर आपको ईजिली मिल जाती हैं, वही रेमडीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती हैं क्योंकि मैं खुद उसका इस्तेमाल करती हूँ और मेरे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा मेरे बालों की जो थिकनेस है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और मेरे नए बेबी हेयर, बहुत सारे बेबी हेयर आ रहे हैं। और जो रेमडीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बस यही रेमडीज मैं अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा अनियन लिया है, अनियन यानी कि प्याज, जिसमें सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें जिंक और फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं जो हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, बालों के थिकनेस को इम्प्रूव करते हैं और बाल्ड पैचेस अगर हैं यानी कि सर का गंजापन है उसे दूर करते हैं। अगर आपके सर में कहीं एक हिस्से में भी बाल थोड़े से झड़ गए, वहाँ पर पैच पड़ गए, तो वहाँ पर भी नए बाल उगाने में ये रेमडी बहुत कारगर है और ये अनियन भी वहाँ पर नए बाल उगाने में बहुत कारगर है। साथ ही सर का डैंड्रफ, ईचिंग जैसी प्रॉब्लम, जुएं जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में अनियन बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। ये हर किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये सारी रेमडी जो मैं बताती हूँ बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देना होता है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। तो प्याज तो लगभग सभी को सूट करती है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच के लगभग मैंने अदरक लिया है यानी कि जिंजर, जो कि सल्फर से रिच होता है, साथ ही इसमें सिलेनियम जैसे तत्व होते हैं। ये सर का गंजापन दूर करने में, न्यू बालों को उगाने में यानी कि हेयर रीग्रो करने में बहुत ज़्यादा कारगर है, बालों के थिकनेस को इम्प्रूव करने में, हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत तेज़ी से काम करता है जिंजर। जिंजर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमडीज अपने चैनल पर शेयर की हैं तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा उन वीडियोज़ को, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए उसके बाद। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस सकते हैं, लेकिन पीसते समय इसमें बिल्कुल भी आपको पानी ऐड नहीं करना है। आप चाहें तो इसमें ऑयल ऐड कर लीजिए, अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो रही तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप इसको अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में पीस लीजिए। आप नहीं छानना चाहते तो बिना छाने भी इस रेमडी को बना सकते हैं, लेकिन मैंने जिंजर ग्रेटर की तरफ से इन दोनों चीज़ों को ग्रेट किया है तो मैं यहाँ पर इसको छानकर इसका जूस निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज का जूस निकाल लिया है, उसके बाद अब मैं अदरक का जूस निकालूंगी। दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग जूस निकाल रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने देखा है प्याज और अदरक दोनों को एक साथ में जब हम डाल के उसका जूस निकालते हैं तो वो ठीक हो जाता है, जूस स्क्वीज करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग ग्रेट किया और अलग अलग मैं इनको स्क्वीज कर रही हूँ। तो एक कपड़े की हेल्प से मैं इसको छान रही हूँ, आप किसी भी तरीके से इसको छान कर इसका जूस निकाल सकते हैं, लेकिन आप मिक्सी में ऑयल डालकर अगर इसको पीसते हैं तो बिल्कुल क्रीमी पेस्ट आप इसको बना लीजिए, इसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं। सो गाइस, हमें अदरक और प्याज का ये जूस मिल गया है और आप इसको टोनर की तरह ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ हेयर ग्रोथ एंड हेयर थिकर जेल, तो और भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। सो गाइस, नेक्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है लौंग का पाउडर, तो मैंने यहाँ पर 20 से 25 लौंग को अच्छे से पीस लिया है, आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। तो लौंग को बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है, 20 से 25 लौंग मैंने पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें लौंग ऐड कर रही हूँ, लौंग का पाउडर। लौंग जो होती है हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है, स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन को दूर करती है, क्योंकि लौंग में पाया जाने वाला एसेंशियल ऑयल जो होता है वो किसी भी तरह के स्कैल्प के फंगस को दूर करने में मदद करता है और हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। ये गंजेपन को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है, साथ ही हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। मैंने अपने चैनल पर लौंग का टोनर भी शेयर किया है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसके बाद गाइज, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अनियन और जिंजर ऑयल, जो कि मैंने मोटी छोटी चैलेंज सीरीज में ये ऑयल बनाया था, तो ये वही ऑयल है। तो आपको इसकी वीडियो मेरी मोटी छोटी चैलेंज सीरीज में मिल जाएगी।
मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो मैं यहां पर 2 चम्मच ये अनियन और जिंजर का ऑयल डाल रही हूं, DIY अनियन जिंजर ऑयल। तो 2 चम्मच मैं यहां पर ले रही हूं। अगर आपके पास अनियन जिंजर का ये ऑयल नहीं है तो कोई भी ऑयल जो आप अपने बालों में लगाते हैं, जैसे कि आप एमंड ऑयल लगाते हैं या फिर आप आंवला का तेल लगाते हैं, तो कोई भी ऑयल जो आप अपने बालों में लगाते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल भी या फिर ओलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल, जो कि आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। तो उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर ले रही हूँ एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रही हूँ। तो हम इसका हेयर ग्रोथ जेल बनाएंगे, अनियन जिंजर हेयर ग्रोथ जेल। ये आपके सर का गंजेपन दूर करने में भी बहुत ज़्यादा कारगर है। 4 से 5 चम्मच आपको यहाँ पर एलोवेरा जेल ले लेना है, और इसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आपको इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना है। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर ग्रोथ जेल बनकर रेडी हो जाता है। और एक चीज़ गाइज, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, जो कि हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारे स्कैल्प को क्लीन भी करता है, और हमारे स्कैल्प में जो डैंड्रफ ईचिंग की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करता है। क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मी में अक्सर हमारे स्कैल्प में ईचिंग की प्रॉब्लम और डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे ये दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 5 से 6 ड्रॉप मैं यहाँ पर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की डालूंगी। आप इसकी जगह पर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। तो कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। कोई एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। घर की ही चीज़ों से आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। तो बस इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। मैं इसको चम्मच की हेल्प से ही मिक्स कर रही हूँ, और मैंने थोड़ा छोटा बॉल लिया है इसलिए ये मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इसको ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स करेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। सो गाइज, ये हेयर ग्रोथ जेल हमारा बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ये हेयर ग्रोथ जेल। तो आप चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इकट्ठे बनाकर आप 15 दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें लौंग डाला है। लौंग का जो एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती हैं, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। तो मैंने इसको बना लिया और अब मैं इसको कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ। तो लौंग का जो तेल होता है, अगर हम किसी भी चीज़ में लौंग डालते हैं या फिर लौंग का टोनर बनाते हैं, लौंग का हेयर मास्क बनाते हैं, उसे आराम से हम स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता। तो बिना फ्रिज के भी आप इसको 3-4 दिन के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और फ्रिज में अगर आप इसको स्टोर कर सकते हैं तो ये 15-20 दिन के लिए बहुत आराम से चल जाएगा। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको आराम से लगाइए, और ये बिल्कुल ही कारगर नुस्खा है आपके बाल्डनेस को दूर करने में, बाल्डनेस को ख़त्म करके वहाँ पर नए बाल उगाने में, बाल्ड पैचेस पड़ के वहाँ पर नए बाल उगाने में बहुत कारगर है। अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं तो हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, हेयर ग्रोथ को तेज़ी से बूस्ट करेगा, और आपके बाल पतले हैं तो आपके बालों की थिकनेस को भी ये इम्प्रूव करेगा, बालों की डेंसिटी को इम्प्रूव करेगा, और बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी, शाइनी और स्मूथ बनाएगा, क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल भी डाला है। एलोवेरा जेल जो होता है, एलोवेरा जेल जो होता है हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बनाने में मदद करता है। तो ये बन गया हमारा बहुत ही अच्छा सा अनियन जिंजर हेयर ग्रोथ जेल। तो आप इसको आराम से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी लगाना हो आप 1 घंटे पहले इसको फ्रिज से निकाल कर रख दीजिए, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, उसके बाद आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़ायदे का इस मैंने बता दिए कि ये आपके बालों को लगभग हर तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और जितना अच्छी क्वालिटी का आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे उतना ही और ज़्यादा बेहतरीन इसका बेनिफिट होता है। सो गाइज, मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको इसको क्लीन स्कैल्प पर लगाना है, गंदे चिपचिपे स्कैल्प पर इस जेल को नहीं लगाना है। और अगर आपके स्कैल्प पर ऑयल लगा हुआ है तो भी आप इस जेल को लगा सकते हो, ये इजीली आपके स्कैल्प में ऑब्जर्व हो जाएगा। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा थिक ऑयल अगर आपने लगाया है तो ये ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन आपने कोई हल्का जैसे कोकोनट ऑयल लगाया है या फिर आपने ऑलिव ऑयल जैसी ऑयल लगाया है तो ये आप इसके ऊपर इसको लगा सकते हो, ये आराम से ऑब्जर्व हो जाएगा आपके स्कैल्प में। मांग कर करके इसको अपने स्कैल्प में बिल्कुल अच्छे से लगाना है, हल्के हल्के हाथों से 1.5-2 मिनट के लिए आपको अपने स्कैल्प की मसाज भी करनी है, ताकि ये जो जेल है आसानी से आपके स्कैल्प में जाकर आपके स्कैल्प में सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड करे, जिससे आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो, बालों की ग्रोथ भी बढ़े, स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, जिससे आपके बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हों। साथ ही
झड़े बालों को उगाने में भी बहुत मदद करता है। और अगर आपके सर पे कहीं पर पैचेस पड़ गए हैं, बाल्ड पैचेस, तो वहाँ पर भी आप इसको डेली लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज, इसे लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप इसको स्कैल्प पर अच्छे से लगाइए, उसके बाद आप थोड़ा सा लेकर इसको अपनी हेयर लेंथ पर भी लगा सकते हो, जिससे आपके फ्रिजी बालों की प्रॉब्लम भी दूर होगी। और इसे लगाकर 1 घंटे के लिए रखना है, 1 घंटे बाद आपको कोई अच्छा सा माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर देना है, क्योंकि हमने इसमें कैस्टर ऑयल डाला है और कैस्टर ऑयल जो होता है थोड़ा थिक होता है, तो इसलिए आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा इस जेल को लगाने के बाद। आप इसको ओवरनाइट लगाकर भी छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट डे भी शैम्पू कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार इस हेयर ग्रोथ जेल का ज़रूर इस्तेमाल करना है अपने बालों में। आप इसको 2-3 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे आपके बाल तेज़ी से बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा और झड़े बाल भी आपके उगना शुरू हो जाएंगे। तो इसको आप लगातार कम से कम 3 महीने तक हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए, आपके बालों की लगभग सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बाल पैचेस जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप इसको डेली लगा सकते हो, वहाँ पर बहुत जल्दी नए बाल उगने लगेंगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की यूजफुल वीडियो, आई होप कि वीडियो पसंद आई। कोई क्वेरी रह जाती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, बाय।